तो गाइस हम जा रहे हैं सुंदर नर्सरी, बाइक मैंने पार्क कर दी है तो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आए क्योंकि नर्सरी तो स्टार्ट हो चुकी है बट बहुत बड़ी है। इसका गेट आ गया है हिमायू टॉम का, तो आपने देख लिया, हम हिमायू टॉम कवर कर चुके थे। तो आप अगर देखना चाहते हो ब्लॉग तो आप हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हो हिमायू टॉम का स्पेशल ब्लॉग, क्योंकि दोनों चीज़ें एक्चुअली आमने सामने हैं। अगर एक में कवर करते तो कम से कम 20-25 मिनट की वीडियो चले जाती, तो इसलिए मैं क्या एक अलग अलग दोनों का ब्लॉग बना देते हैं। तो बस हम वॉकिंग कर रहे हैं, दोनों आमने सामने हैं, खाते पीते चल रहे हैं। शिवानी ने आइसक्रीम खाई, देखो मैंने तो रोस्टेड पीनट्स लिए हैं। आपने खाई आइसक्रीम? नहीं मैंने खाई नहीं, गाइस मैंने नहीं खाई। तो गाइस चलो अंदर मिलते हैं सीधा टिकट काउंटर पे। तो गाइस हम फाइनली टिकट ले चुके हैं और एंट्री कर चुके हैं, रश बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अभी एक्चुअली टाइम यहाँ पे रात में ज़्यादा रश होता है क्योंकि इसमें फाउंटेन और लाइट्स ऑन हो जाएंगी, तो वही चीज़ तो देखने वाले जो हम दिखाने आए हैं। तो हम अभी आ चुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर वापस व्लॉग स्टार्ट करेंगे आपको नाइट व्यू दिखा के, क्योंकि नाइट वाले इसमें देखने वाला है। दिन में तो आपको नॉर्मल गार्डन लगेगा बट रात में तो देखने वाला है गाइस। तो टिकट प्राइस है 50 रुपीज़, नहीं 50 नहीं, हाँ 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो दिखाते वैसे दिन में दिखाए तो दिन में तो आपको ये बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा होगा, पर गाइस जब मैं नाइट शॉट जब इसके मैं नाइट शॉट्स लूँगा ना, जब मैं नाइट में अभी वीडियो ऑन करूँगा फिर देखना इसका मज़ा। तो अभी तो खैर जब तुम रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, वैसे भी नाइट अंधेरा होने वाली है, तो फिर स्टार्ट करते हैं इसका ब्लॉग। गाइस व्लॉग शुरू करते हैं, तो आपको सिनेमैटिक्स मैंने दिखाई दिए हैं कि कितना प्यारा प्यारा यहाँ पे व्यू आ रहा है। तो चलो आज आगे डिटेल्स में दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे पिकनिक स्पॉट टाइप है, लोग बहुत सारे यहाँ पे मैंने देखा, लोग आते हैं अपनी चद्दर वद्दर लेके, खाने पीने का सामान लेके अच्छा टाइम स्पेंड करके जाते हैं। ये गाइस टॉम्ब है जो आपको दिख रहा था, ये देखो यहाँ पे फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी होती है ना, पर यहाँ पे नाइट की लाइटिंग बहुत अच्छी, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे फाउंटेन्स आ रहे हैं यहाँ से ना, ये जो अपना टॉम्ब है, टॉम्ब के साथ से निकल के फाउंटेन बहुत आगे तक जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, है ना कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ से फाउंटेन की एक लड़ी शुरू होती है, फाउंटेन ही वो छोटा छोटा सा ना, वो थोड़ा थोड़ा सा पानी निकल रहा है यार, है ना, वो फाउंटेन ही बोल सकते। तो गाइस देखो यहाँ से पानी स्टार्ट हो रहा है निकलना, है ना, वाटर थोड़ा थोड़ा यहाँ से निकल रहा है, दिखाते हैं आपको आगे। यार ये बहुत दूर तक जा रहा है, देखो ये छोटे छोटे कमल के फूल टाइप नहीं बने हुए, दिखाते हैं आपको। ये देखो गाइस ये छोटे छोटे ना कमल के फूल, देखो फ्लावर्स बने हुए ना कमल के, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। इनमें से भी पानी निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी है ना नीचे निकल रहा है। तो ये ऐसे ही बहुत दूर तक जा रहा है गाइस, देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है, झील भी इधर है ना, और इधर लेक भी है, आपको लेक भी दिखाऊंगा। पहले मैं ये चीज़ दिखा दूँ, अभी एंट्री हूँ ना, अभी एंट्री से आपको दिखा रहा हूँ। देखो कितनी प्यारी चीज़ है ये बहुत प्यारी लगती है, और आगे ना इसमें बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई आपको दिखाऊंगा अभी। ये बीच में देखो सारे ये हैं कमल के फूल बने हुए हैं छोटे छोटे, यहाँ से पानी निकल रहा है और इसके साइड में लाइटिंग है, देखो गाइस यहाँ पे बहुत सारे बंदे भी हैं इस टाइम, इसमें रात में भी बहुत सारे बंदे आते हैं घूमने। यहाँ पे वैसे क्राउड शाम को ही ज़्यादा है ना, यहाँ पे क्राउड 4 बजे के बाद ज़्यादा होता है क्योंकि आजकल नेचुरली गर्मियाँ हो गई हैं ना इसलिए। देखो गाइस बहुत अच्छा लगता है, देखो यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है, देखना व्यू मैंने सिनेमैटिक्स में डाला ही था, देखो कितना अच्छा लग रहा है, अभी भी आगे चल रहा है, दिखाते हैं। तो गाइस ये देखो कलाकारी, ये कलाकारी देखने वाली है गाइस। देखो वो सामने मैंने दिखाया था ना, जैसे अपना टॉम्ब के पास से पानी आ रहा था, धीरे धीरे निकल रहा था, तो बीच में जो फ्लावर्स हैं उनमें से भी पानी निकल रहा, ये सारा पानी इकट्ठा हो गया। देखो कैसे आगे देखना, यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही देखो, बिल्कुल गोल गोल घूम के फिर आगे जा रहा है, देखो यहाँ से फिर यहाँ से आगे जा रहा, और आगे इसके आगे छोटा सा वाटरफॉल, बिल्कुल छोटा सा वाटरफॉल की तरह गिर रहा है, एंड में आके दिखाते हैं आपको। देखो गाइस क्या ही बात है, मतलब बहुत बहुत प्यारा, बहुत प्यारा लग रहा है। देखो आपने वैसे तो पार्क देखे होंगे पर ये बहुत ही प्यारा पार्क है, इसके आगे भी आपको दिखाते हैं, इसमें आगे भी बहुत अच्छी अच्छी लेक्स हैं, और बीच में ना कैफ़े भी है ना, कैफ़े भी है ना शिवानी, दिखाते हैं आपको। चलिए
गाइस ये देखो, ये सामने भी एक टॉम्ब है, बहुत अच्छा खाना, यहाँ पे भी लाइटिंग अच्छी लग रही है, और सामने वो फूड वैन खड़ी हुई है छोटी सी, तो देखते हैं कुछ खाने के लिए अगर मिलता है तो, क्योंकि बिना खाए पिए तो गाड़ी हमारी नहीं चलती। देखते हैं यार, एक्चुअली एक और फूड वैन खड़ी थी वहाँ पे, तो सिर्फ चाय कॉफी थी। ये वही है? नहीं, ये वो नहीं। अरे वो ये, अरे हाँ यार, ये तो वही है गाइस, मैं भूल गया था। देखो गाइस सामने लेक, गाइस देखो सामने, देखो कितनी प्यारी जगह है ना, प्यारी जगह, कमेंट करके बताना। देखो कितनी प्यारी लेक है यहाँ पे। वैसे मैंने गाने का शूट भी करा है, सही बताऊँ तो हम पहले शूट ही कर रहे थे दिन में, है ना, तो दिन में हम शूट ही कर रहे थे, तो अब शूट फिनिश हो चुका है, तो मैं क्या ब्लॉग बनाने, लाइटिंग भी ऑन हो चुकी है। देखो कितनी प्यारी जगह लग रही है। देखो ये लेक है ना, जो लेक आ रही है ये, देखो लेक का पानी यहाँ से, वो देखो वैसे फाउंटेन भी है सामने, देखो यहाँ से पानी जा रहा है सीधा, ये ब्रिज आ गया, और ये देखो आगे आगे ये डिवाइड हो रहा है ऐसे, देखो छोटे छोटे हिस्सों में। देखो कितना प्यारा है, यहाँ पे फोटोग्राफी इतनी मस्त होती है ना गाइस, ये सामने जो आप जगह देख रहे हो, ये जो सामने जगह है, ये देखो ये जो हिस्सा बना, यहाँ पे फोटोग्राफी इतनी प्यारी आती है, चारों तरफ यहाँ पे पानी आता है बीच में, और बीच में बंदा खड़ा हो ना ऐसे बैक, उधर बहुत ही प्यारी फोटोज आते हैं। देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, शिवानी दिखाने एक बार। इसका नाम है अजीब बाग, जिधर ये अजीब अजीब बाग, अच्छा अजीब अजीज बाग में क्या था अभी, मैं कोई भुलवा दिया रहन दो रहन दो, होगी अब तो होगी अब तो हो गई, कोई नहीं, मैंने अभी पढ़ा था शिवानी कौन सा बाग था, इधर आइयो एक मिनट दिखा के आती हूँ, एक मिनट, तो इसका नाम दिखाती हूँ जहाँ पे फ्लावर्स लगे हैं ना, वरना ये मेरे को, अजीम बाग है, अजीम बाग, कहाँ जा रहे हो आगे आगे, ओए ओ हीरो, या नहीं आगे नहीं चलते, ये तो आप चले जाओ, मैं नहीं जा रही आगे, कोई नहीं आगे, वाह। तो गाइस ये देखो ये जगह कितनी प्यारी लग रही है यार, कितनी प्यारी जगह लग रही है, देखो यहाँ से अगर ऐसे चल के आओ, गाइस देखना ये कैफे है, देखो कैसे भूत से बनाए हुए हैं, आप देख रहे हो साइड पे, चारों देखो कैसे भूत से बनाए हुए हैं, देखना कितना अच्छा कैफे लगा, देखना कैसे भूत से बनाए हुए हैं सारी, और सारी ऐसे बना रखे हैं, तो गाइस ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट टाइप अंदर ही बना हुआ है सुंदर नजरी के। तो गाइस हम आ चुके हैं कैफे से बाहर, क्योंकि एक्चुअली कैफे में कुछ उतनी वैरायटी खाने पीने को थी, पर हमें उतनी भूख नहीं थी, क्योंकि मेन कोर्स ही था, हम तो स्नैक्स के लिए कुछ देख रहे थे अगर मिल जाता तो। तो चलो गाइस एक्चुअली टाइम भी बहुत हो चुका है और हमें बहुत दूर जाना है ना, yes. तो आज का व्लॉग यहीं पे फिनिश कर दें, तो गाइस आज का व्लॉग सुंदर नर्सरी का यहीं पे फिनिश कर दें, ये कैफ़े का नाम था फैब कैफ़े। गाइस चलो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है, तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू व्लॉग के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और सुंदर नर्सरी सच में बहुत सुंदर है, आप ज़रूर देखने आना, ये मेरे को अच्छी लगी, मैं खुद कह रहा हूँ कि देखते ज़रूर आना।